ज़िंदगी। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना भी हो, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरसते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी, तो मैंने सोचा कि मैं ना अपनी वीडियो का स्टार्ट जो है किसी अच्छी बात से, किसी अच्छे कोट से, किसी भी ऐसी चीज़ से जो है अपनी वीडियो का स्टार्ट लिया करूँगी। तो आप भी बताइएगा कि आपके साथ जब मैं शेयर करती हूँ तो आपको कैसा लगता है। तो बस जी, ज़िंदगी की दौड़ जो है वो चलती जा रही है। और आज ना मैं गई थी सेंटर, और सेंटर मुझे जाना था एक मार्केट, टॉमी फील्ड मार्केट है यहाँ पर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलें हम ना आज उसका विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग जो है वो गाड़ी जो है वो पार्क करके, तो फिर हम ना बाय वॉक ही ना यहाँ से अंदर मार्केट में से निकल के, ये जो मॉल है इसमें से निकल के तो हम लोग वहाँ गए। और आप देखें जी, ये कितना खूबसूरत मॉल है। मैंने कहा चले मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ इस मॉल को भी। और बस जी, साथ साथ हम थोड़ी सी बातें करते जाते हैं और साथ साथ जो है आप इस मॉल को भी देखते रहें। और कितनी खूबसूरत लगती है जी ज़िंदगी जब हम इस तरह से चहल पहल जो है उसको देखते हैं। और यकीन जाने जब बाहर निकलते हैं ना तो वाकई ही बहुत अच्छा लगता है ज़िंदगी की चहल पहल देख के, रौनकें देख के। और ये जो है ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर जो मार्केट्स हैं, यहाँ की लोकेशन है, आप देखें ये कितना प्यारा इन्होंने ना रूफ जो है वो बनाई हुई है। तो दिल खुश होता है इन चीज़ों को देख के। तो बस इसी तरह है, और जो है बस जी लाइफ जो है इसी तरह बड़ी तेज़ी से जो है भागती जा रही है। तो बस यही है कि हमें भी चाहिए कि हम जो है इस ज़िंदगी को बड़ी अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ हंस के और मिलजुल कर जो है वो ज़िंदगी को गुजारें, बजाय के एक दूसरे के गिले शिकवे ये लेके बैठे रहें। इन चीज़ों को छोड़ कर जो है हम लोग ना अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जो है गुजारने की कोशिश करें। और सबसे पहली बात जो है ना, जब हम दूसरों को मशवरे देते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले हमें खुद उस पर अमल करना चाहिए, और फिर हमें जो है मज़ीद जो है वो आगे इस बात को लेकर चलना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में खुद शामिल करें इन बातों को, इन चीज़ों को। और देखें जी, ज़िंदगी जो है वो सबक है। जो जो ज़िंदगी गुजरती जा रही है ना, इंसान सबक पे सबक हासिल करता जा रहा है। लेकिन इस सबक को अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे तो उस सबक मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, बाहर आते ही जो क्लाउड्स हैं ना वो सर पर आ जाते हैं। तो क्लाउड्स जो हैं वो आ चुके थे हमारे सरों पर और वो बरसने भी लग पड़े थे, छम छम छम। और ये तो फिर यहाँ का वेदर है जी, इसके बगैर यहाँ पर गुजारा ही नहीं है। तो बस बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और मैं बड़ी खुश थी आज। मैंने कहा कि वेदर जो है वो नाइस है तो बाहर चलते हैं, लेकिन वेदर ने कहा कि मैं नाइस नूइस कोई नहीं हूँ, मैं तो बस मिनट में कुछ और मिनट में कुछ। तो बस यही है यहाँ का वेदर। तो यहाँ पर ना जब हम मार्केट ये टॉमी फील्ड पहुँचे ना, तो वो क्लोज्ड हो चुकी थी क्योंकि इसकी टाइमिंग थी 5 o'clock, और 5 o'clock से ऊपर टाइम हो चुका था और जो यहाँ की शॉप्स हैं ना वो बंद हो रही थी। तो है जी, मैं वैसे ही जो है वो वापस आना पड़ा, लेकिन मैं वैसे तो नहीं ना आ सकती थी वापस। मैंने फिर यहाँ से जो है होम बार्गन्स, वहाँ का थोड़ी सी वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बाय की। और उसके अलावा ना मैं टीके मैक्स जो है वहाँ पर गई थी, मैक्स ना मैं वहाँ की प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैंने वहाँ से ना कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो हैं वो बाय की थी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ तो मैं बना रही हूँ लबे शीरी जो कि मैंने ईद की वीडियो में मैंने बनाया था। और मुझे ना किसी ने जो है वो कमेंट किया था कि आप ना इनकी रेसिपीज़ भी जो हैं वो शेयर किया करें। तो उसमें दो चीज़ें थी, ईद की जो वीडियो थी उसमें स्टीम रोस्ट था, मटन स्टीम रोस्ट, एंड ये था।
और जो है मटन स्टीम रोस्ट जो है ना, इसकी जो पूरी जो रेसिपी है वो मैंने शेयर की हुई है अपनी जो है रमज़ान की वीडियोस में, तो आप वहाँ पर जाके देखिएगा। मैरिनेशन वही है, वो चिकन स्टीम है और ये मटन था। तो यहाँ पर ना आपने मटन को फ्राई नहीं करना, चिकन को फ्राई करना, बाकी मैरिनेशन वही है। यहाँ पर ना मैंने दूध चढ़ा दिया था और मैं ना कस्टर्ड जो है उसके 3 स्पून्स जो हैं वो मैंने दूध में डिज़ोल्व किए, और उसके बाद जो है मैंने जब दूध पकने लगा तो मैंने दूध जो है सबसे पहले उसमें चीनी ऐड की। चीनी ऐड करके मैंने उसमें जो कलर सवैयाँ होती हैं ना उनकी एक प्याली मैंने शामिल कर दी। लोग जी अलग से बॉयल करते हैं, अलग से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसी दूध में जो है जानी है सवैयाँ उसी में उसको बॉयल कर लें। यहाँ पर ना मैंने क्रीम ली थी और मैंने टिन पैक लिया था, ये आप देख सकते हैं, कॉकटेल का, और कॉकटेल का सिरप निकाल के मैंने इसमें ना कॉकटेल ऐड किया था। चीनी ऐड नहीं की थी, चीनी जो है ओनली मैंने कस्टर्ड में ऐड की थी। और यहाँ पर मैंने 2 बनानास लिए थे और उनको मैंने इस तरह से ना इन पीसीस में काट के मैंने वो भी डाल दिया था। और उसके बाद आलमंड्स जो हैं वो भी मैंने ना बारीक बारीक कट करके मैंने ये डाल दिए थे, ठीक है। आपने जब आपकी सवैयाँ जो हैं वो गल जाएंगी ना, पास मैंने ये जैली भी, दोनों जैलीज जो हैं वो बना ली थी, रेड और ग्रीन, तो आपने ना जब वो हो जाएगा ना तो फिर आपने उसको ठंडा होने देना है कस्टर्ड को, उतनी देर हमारी जैलीज भी जो हैं वो जम जाएंगी। और उसके बाद जो हैं हमने इसमें डालना है जेलीज को कट करके, और जो ये क्रीम का जो मिक्सचर मैंने बनाया है इसको भी, लेकिन ठंडा होने के बाद। आप यकीन करें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे इजी तरीका है, इसमें तो कोई बच्चा भी जो है ये बना सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है और चौकस हो के आपने फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आपकी भी जो है लबे शीरी बेहद अच्छा बनेगा। तो लबे शीरी जैसे कि जी लब शीरी कि आपके होंठ मीठे हो जाएंगे, यकीन करें वाकई ही ये ऐसा है। और ये मेरे घर में इतना पसंद किया जाता है कि चाहे रोज़ ही बना के आप बच्चों को खिलाएं। तो यहाँ पर ना मैंने जो मिक्सचर था वो ऐड कर दिया है क्योंकि वो ठंडा हो चुका था, और आपने ना इसकी जो थिकनेस है ना कस्टर्ड की वो ना ज़्यादा पतली रखनी है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, इसको नॉर्मल सा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना वैसे भी कस्टर्ड जो है वो जम जाता है। तो यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हैं इसकी। अब मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया और ये देखें जी माशाल्लाह, मैंने कोई सवैयों को अलग नहीं पकाया, मैंने उसी दूध में पकाया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें फलों की भी स्वीटनेस है, और इसमें जो है मैंने चीनी भी डाली थी। और आपने ना जब भी स्वीट बनाए ना यकीन करें उसमें मिठास जो है ना वो नॉर्मल रखा करें, बहुत ज़्यादा ना कर दिया करें, और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, एक लेवल का मीठा होना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है लबे शीरी बन के हो चुका था तैयार और मुंह में आ रहा था पानी। और उसके बाद ना मैंने जो जेलीज मेरी थी दोनों उनको मैंने किया कट क्यूब्स की शक्ल में, और मैंने ना इसी में ऐड कर दी थी तकरीबन हाफ से ज़्यादा ना, और कुछ जो है वो मैंने डेकोरेशन के लिए जो है वो बचा लिया था, और उसको फिर मैंने ऊपर जो है वो डेकोरेट किया था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना मज़े का लग रहा है। लोग तो इसमें वो छोटे छोटे से जो है वो डालते हैं रसगुल्ले वगैरह, लेकिन वो फिर मीठा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है लबे शीरी को, माशाल्लाह देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो मैंने जिनके कहने पर ये रेसिपी शेयर की है, प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई भी कीजिएगा और मुझे उसका फीडबैक भी दीजिएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना। तो आजकल ये बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट होती जा रही है लबे शीरी, तो आप भी अपने घरों में ट्राई किया कीजिए। आपको बताने का मकसद यही होता है कि आप भी बनाएं और इंजॉय करें, और माशाल्लाह आप लुक देख सकते हैं कैसी है। तो इंशाल्लाह जी फिर आपसे मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।